नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। महंगाई को लेकर शिवसेना ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने गुरुवार को कहा कि योग को विश्व पटल पर स्थापित करने का सराहनीय प्रयास है, लेकिन इस प्राचीन भारतीय पद्धति को अपनाने से क्या लोगों को मुद्रा स्फीति के दर्द से राहत मिलेगी। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि 130 देशों को नरेंद्र आसन करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रशंसा के पात्र हैं। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मुखपत्र में कहा गया है कि योग के जरिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन दैनिक जीवन की महंगाई और भ्रष्टाचार की वेदना को इसके माध्यम से भूला जा सकता है क्या? इस पर रोशनी डाली गई होती तो उचित होता। आपका उपराज्यपाल पर हमला, कहा नजीब जंग को गिरफ्तार करो। दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहायक कानूनी सलाहकार मोहम्मद मोइन खान की हत्या के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा के साथ ही अब उपराज्यपाल नजीब जंग पर हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की है। आपके नेता राघव चड्ढा ने गुरुवार को कहा कि जंग भाजपा के एजेंट हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जंग भाजपा नेता करण सिंह तंवर और सांसद महेश गिरी दोनों को इस मामले में बचा रहे हैं। हत्या के मुख्य आरोपी होटल मालिक रमेश कक्कड़ की इन दोनों नेताओं के साथ नजदीकी रही है। आपने जंग से भी पूछा है कि वे बताएं कि उनकी हत्या के मुख्य आरोपी कक्कड़ से कितनी बार मुलाकात हो चुकी है। बिहार में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। बिहार में सारण जिले के साहजितपुर थाना क्षेत्र के हापिसपुर गांव में गुरुवार को जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई तथा 4 अन्य बीमार हो गए। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि हापिसपुर गांव के 7 लोगों ने गुरुवार को शराब का सेवन किया था। शराब पीने के कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई। अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों पर इस्लाम अपनाने का दबाव। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदाय के लोगों पर हमलों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ उन्हें धमकी देकर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। काबुल में पारंपरिक दवाइयों की दुकान चलाने वाले जगतार सिंह लाखमणि को दुकान में ही एक शख्स ने चाकू की नोक पर इस्लाम कबूल करने की धमकी देते हुए कहा कि ऐसा न करने पर इसका सिर कलम कर दिया जाएगा। जगतार ने कहा कि हमारे दिन की शुरुआत डर और अकेलेपन से होती है। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो उनकी नजरों में आप इंसान नहीं हैं। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए और कहाँ जाएं। कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की अमेरिका को चेतावनी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने मध्यम दूरी की मिसाइल के प्रक्षेपण के बाद कहा कि अब उनके देश के पास प्रशांत महासागर में अमेरिका के प्रभाव वाले क्षेत्रों पर हमला करने की क्षमता है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने बताया कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को मध्यम दूरी की 2 मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। पहला प्रक्षेपण विफल रहा, जबकि काफी ऊंचाई तक जाने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का प्रक्षेपण जापान की दिशा में किया, जो 400 किलोमीटर दूर जाकर जापान के समुद्र में गिरी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।